वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से आ जाइए। और आवाज आ रही है बेटा आप सभी को? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल मैराथन में मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना? लेकिन 1000 क्वेश्चन का हम लोग का टारगेट था, पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा थक गया था और आप तो थक ही गए थे, है ना? आप लोग इतना आराम से लेट के पढ़ रहे थे, है ना? लेटे लेटे आपका एकदम शरीर दर्द करने लगा होगा। तो चलो जल्दी से सेशन को लाइक करो और अगले संडे को फिर रखेंगे, है ना? अब हर संडे को हम लोग एक मैराथन करेंगे। अनुराग सर से बात हुई थी और अनुराग सर भी प्लान कर रहे हैं केमिस्ट्री का मैराथन करने के लिए संडे को, या संडे के अलावा भी तो रखा जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, है ना? हाँ, लेकिन 600 क्वेश्चन लगातार बोलना, और तुम लोग तो नहीं थकोगे मुझे पता है। तो बेटा 7:40 हो चुका है ना? 7:40 हो चुका है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ना। चलिए देखते हैं कितनी देर में आप पूरा करते हैं इसे। सेवन फोर्टी है ना? चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये थोड़ा सा पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, देख रहा हूँ मैं इसको।
बेटा स्टार्ट करो, एक सेकंड, बस ये थोड़ा सा पेन में देख रहा हूँ क्यों नहीं काम कर रहा है, थोड़ा सा वेट करिए आप थोड़ा सा। चलो देखते हैं, इससे थोड़ा काम चल जाएगा। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ गया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो मेल हेट्रोगेमिटी। यहाँ पर कह रहा है किस ऑर्गेनिज्म में मेल हेट्रोगेमिटी नहीं पाई जाती, मेल हेट्रोगेमिटी नहीं पाई जाती है, मेल हेट्रोगेमिटी कहाँ पर नहीं पाई जाती है। एक मिनट बेटा, ये पेन भी। मेल हेट्रोगेमिटी पाई जाती है। अब अगर हम बात करते हैं जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप की मकरन जो कि बर्ड में पाई जाती है, यहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमिटी पाई जाती है। फीमेल हेट्रोगेमिटी का मतलब फीमेल दो तरह के गैमेट बनाती है, और मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब मेल से दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन इसका यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इसका यूज कर सकते हैं, और आईयूडी का यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबो आंसर हो जाएगा डी, इन सभी का यूज कर सकते हैं, और ये एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी यूज कर सकते हैं बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन, जेमुलेशन और फ्रेगमेंटेशन ए सेक्सुअल है, लेकिन सिंगेमी तो फर्टिलाइजेशन है बेटा, और फर्टिलाइजेशन केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फाइंड द ऑड वन, इनमें से कौन सा ऑड है। ऑड का मतलब सबसे जो अलग है, ऑड का मतलब जो सबसे अलग है बेटा, उसके बारे में पूछा गया। तो देखिए, सी लिली, सी लिली की बात करें, इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। सी फैन गॉर्गोनिया एंटीडॉन सी लिली है, सी फैन गॉर्गोनिया सिलेंट्रेटा का मेंबर। सी कुकुम्बर कुकुमेरिया इकाइनोडर्मेटा का मेंबर। सी अर्चिन इकाइनस इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। तो तीन तो एक ही फाइलम से, सी फैन यहाँ पर अलग हो जाएगा। प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी हेल्पिन, प्रोटेंड्री में स्टेमेन एंथर से पहले में, स्टेमेन जो होता है वो ओव्यूल से पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है। प्रोटोगाइनी में जो स्टिग्मा है वो पहले मैच्योर हो जाती है, और ये कंडीशन किस लिए है, हेल्प इन, ये हेल्प करती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन में, या फिर आप कह सकते हैं टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए है, और इनके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मदद करती है, इसके लिए इन्हें एक नाम दिया जाता है। और आपको बताना है वो नाम, ठीक है। ऑर्नामेंटल बिलोंगिंग टू फैमिली लिलिएसी,
लिलियसी फैमिली के ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से, लिलियसी फैमिली के ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से, ये आपसे पूछा गया। ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे, नहीं डाइकोगेमी नहीं कहते बेटा, डाइकोगेमी, हाँ डाइकोगेमी कह सकते हो, ठीक है डाइकोगेमी, लेकिन दीज आर कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इन्हें आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। बिल्कुल मनु, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ट्यूलिप और ग्लोरियोसा ये लिलियसी फैमिली के मेंबर हैं बेटा, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। ये कॉलम मैच करिए यहाँ पर। और ये देखिए बायोनीट का सवाल है, बायोनीट के अगर आप चैप्टर 7 में आप जाएंगे, क्लास 11 में, तो क्वेश्चन नंबर 97 है, ये सेम क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। यहाँ पर तीन कॉलम मैंने बनाए थे उस बुक में, और तीनों कॉलम यहाँ पर सेम एज इट इज रखे हुए हैं, ठीक, ऑप्शन में भी कोई चेंज नहीं। टेस्टिस कॉकरोच के बारे में कहा, रिगार्डिंग कॉकरोच, कॉकरोच के रिगार्डिंग। तो टेस्टिस की अगर हम बात करें, तो टेस्टिस कहां पर पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं फोर्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट, और वन पेयर होते हैं, वन पेयर, तो यानी ALW, ALW एक ही ऑप्शन यहां पर है ना, एक ही ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following can be categorized as an age-related disorder? इसमें से कौन सा age-related disorder? कल भी इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे, और अब देखिए रिपीटेशन ज्यादा होगा बेटा, ठीक है? तो इसलिए ये मत कहना कि सर नए क्वेश्चन करें, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, 30-35 हजार क्वेश्चन आपने कर डाले हैं ना, कि अब नया क्वेश्चन बनने की प्रॉबिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एज रिलेटेड डिसऑर्डर। द डैश रिलेज इम्पल्सेज, रिले मतलब भेजना, फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल, सीएनएस से स्केलेटल मसल को इम्पल्स कौन भेजता है, स्केलेटल मसल। कल आपने किया था क्वेश्चन स्मूथ मसल, स्मूथ मसल के लिए ऑटोनॉमिक होता है, और स्केलेटल मसल को संदेश कौन भेजता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, रिकॉग्नाइज द फिगर, ये तो आपके नीट में पूछा जा चुका है। एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, तो ए क्या दिखाया गया है, ए दिखाएगा सॉलिड बॉल लाइक सेल दैट इज मोरूला, और जो बी है हॉलो स्ट्रक्चर है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पर कैविटी पाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी के बारे में आपसे पूछा गया है, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी के बारे में आपसे बेटा पूछा गया है। तो चलिए बताइएगा ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कितनी होती है, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी होती है 20 से 25 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इसकी सॉलिबिलिटी 20 से 25 गुना कम होती है। CO2 की सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन से 20-25 गुना ज्यादा होती है, एनसीईआरटी में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमोस्फियर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ओजोन डिप्लीशन से कौन सी दिक्कत नहीं होगी, रिड्यूस इम्यून सिस्टम ये हो जाएगा, डैमेज ऑफ आई बिल्कुल, इंक्रीज स्किन कैंसर ये भी, इंक्रीज लीवर कैंसर बेटा ये नहीं होगा, है ना। अगर हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करें, तो इससे लीवर कैंसर की संभावना नहीं बढ़ेगी। द डैश मीन्स द नंबर ऑफ बर्थ पर इन पर्टिकुलर एरिया फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, तो पर यहां पर डैश होगा बेटा, पर डैश, तो ये दो डैश आपको फिल करते हैं। नंबर ऑफ बर्थ को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बर्थ को नेटिलिटी कहा जाता है। तो नेटिलिटी मीन द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000, हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए 1000 हम यूज करते हैं ना, जैसे सेक्स रेशियो भी हम लेते हैं, तो कहते हैं कि 946 फीमेल हैं 1000 मेल की पॉपुलेशन के ऊपर। Which of the below mentioned reason exhibit less seasonal variation? Seasonal variation कम कहाँ पर होती है? Tropical region में seasonal variation कम होने की वजह से बेटा वहां पर diversity ज्यादा है। ये तीन reason आपको बताए गए, उनमें से एक कारण ये भी है। बेटा जो बच्चे नए हो ये जान ले कि ये NTA का मॉक टेस्ट हम करें, जो डेली बेसिस पर रोज सुबह 7:30 बजे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया था, 7:45 से हमने स्टार्ट किया है। चलिए तो यहाँ पर बताइए, ABC आपको यहाँ पर बताने हैं। तो पायरुविक एसिड प्लस ए, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बी प्लस सी, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इसका मतलब लैक्टिक एसिड बनेगा यहाँ पर, है ना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए जो ए है ये एक्चुअली NADH है,
और NADH जो है बेटा ये NAD में चेंज हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा NADH, है ना, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और सी हो जाएगा NAD। करेक्ट आंसर बी होगा क्योंकि यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। वाइल रिकॉर्डिंग ECG द इलेक्ट्रिकल लीड इज नॉट अटैच टू द, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल लीड दोनों रिस्ट में और बाएं पैर की एड़ी में लगाई जाती है, तो राइट रिस्ट में लगाओगे, लेफ्ट में लगाओगे, लेफ्ट एंकल में लगाओगे, राइट एंकल में नहीं लगाते हैं, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मैच द कॉलम, चलिए देखिए यहाँ पर क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी और फियोकोजेंथिन होते हैं, रोडोफाइसी में एडी और फाइकोरेथ्रिन होते हैं, तो A3 हो जाएगा, है ना, ये 3 है यहाँ पर, है ना, A3 हो जाएगा, B1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा बेटा। फेगोसाइटोसिस मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहे फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, फेगोसाइटोसिस में इट इन्वॉल्व द अपटेक ऑफ सेलुलर डेब्री, सेल का जो कूड़ा कचरा है, इन लार्ज एंडोसाइटिक वेसिकल, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, फैगोसाइटोसिस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा, हाँ आंसर डी सही है, ठीक, ज्यादातर बच्चे सही भी कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करेक्टली मैच पेयर, करेक्टली मैच पेयर आपको बताना है, जाइगोटिन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस, तो सिनेप्सिस जाइगोटिन में होती, यही करेक्ट मैच हो गया यहाँ पर। द पेरीगाइनस ओवरी विल बी सीन इन, पेरीगाइनस कंडीशन कहाँ पाई थी, प्लम में, पीच में और रोज में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। इन ए सीरियल ग्रेन, सीरियल मतलब अनाज, ओएसी के मेंबर की बात कर रहे हैं, ग्रासेस की बात कर रहे हैं, द सिंगल कॉटिलेडन ऑफ एन एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाई, सिंगल जो कॉटिलेडन होता है बेटा उस कॉटिलेडन के लिए कौन सा टर्म हम यूज करते हैं, सिंगल कॉटिलेडन के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाइएगा, दैट इज कॉल्ड स्कोटिलम, इसे स्कोटिलम का नाम दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम, दोनों कॉलम आपको मैच करने बेटा यहाँ पर, और आपको बताना है यहाँ पर बुली फॉर्म सेल, बुली फॉर्म सेल की अगर हम बात करते हैं तो बुली फॉर्म सेल क्या करती है, रोलिंग इन एंड आउट ऑफ लिप गार्ड सेल, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा लेंटिकल, एरेटिंग पोर इन द बार्क ऑफ द प्लांट एंड सब्सिडरी सेल एसेसरी सेल होती है। तो 1 को 3 से मैच कराया आपने, 2 को 1 से, 3 को 2 से और 4 को 4 से मैच कराया, करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। स्पीड थोड़ी और बढ़ाई बेटा, ऑड वन, फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से सबसे अलग कौन सा, ये पूछा गया है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल क्या है, ये एनालॉगस है, फिल्पर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन ये भी एनालॉगस है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ये भी एनालॉगस है, अपर लिंब ऑफ मैन एंड फोर लिंब ऑफ चीता ये होमोलॉगस है, तो अलग कौन है, ये 3 एक तरह के अलग कौन है, होमोलॉगस, डी ऑप्शन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है फॉर फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट, तो फोटो रेस्पिरेशन इज कॉमन इन प्लांट हैविंग हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट, फोटो CO2 कंपनसेशन पॉइंट हाई कहाँ, C3 में हाई होता है, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। फोटो रेस्पिरेशन इज कॉज बाई हाई CO2 एंड लो PO2 ये गलत है, फोटो रेस्पिरेशन तब होगा जब लो CO2 और हाई ऑक्सीजन होगा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइट टेम्परेचर ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन केवल ए हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। टू ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट कोरिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बिलोंग टू, ये क्वेश्चन नया है बेटा, कह रहे दो ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट कोरिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वाले हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक जैसे हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, ये नया सवाल है, इन्हें दो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज माना जाएगा, इन्हें दो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज माना जाएगा, दो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज माना जाएगा, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर स्टेरॉयड हार्मोन विच मोस्ट लाइकली बाइंड टू, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, अब देखिए खुद कह दिया स्टेरॉयड हार्मोन, तो स्टेरॉयड हार्मोन में इंट्रा सेलर रिसेप्टर होते हैं, यानी सेल के अंदर रिसेप्टर होंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन हार्मोन में मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो NTA क्वेश्चन का आंसर दे रहा है बेटा वो ए आंसर दे रहा है, जबकि यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, साइटोप्लाज्मिक या इंट्रा सेलर रिसेप्टर। टू लीव्स ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट साइजेस बट शोज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया
इन यूनिट टाइम यू लीव A1 एंड B1, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ बोथ लीव। ये सीधे बायोनीट का सवाल है, सीधे बायोनीट का क्वेश्चन है जो NTA ने यहाँ पर लिया, और सेम ऑप्शन भी वही है, आंसर भी वही है। एक आपको दिया गया एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ ए, एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ बी, रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ ए एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ बी। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकालोगे आप, जरा समझो इस बात को। एब्सोल्यूट ग्रोथ अगर आपको निकालनी है, एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ ए, ए लीव की एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालनी है तो आपको चेंज निकालना है। देखिए लीव का साइज पहले कितना था, 5 cm², बाद में 10 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 10 - 5, यानी 5 का चेंज हुआ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, 5। बी सेल में आपको अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालनी है तो इसको कैसे निकालोगे, चेंज से। पहले साइज 50 था, बाद में 55 हो गया, तो 55 - 50, इससे आप चेंज निकालोगे, 5 आ गया, यानी दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बराबर है। लेकिन जब आप रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालोगे, रिलेटिव ग्रोथ निकालोगे और रेट, रिलेटिव परसेंट रिलेटिव ग्रोथ रेट आप निकालोगे, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल और परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे, है ना। परसेंटेज में वैल्यू आपको दी गई तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब ए के लिए निकालना है, तो चेंज कितना है, 5 का चेंज है, ओरिजिनल 5 है इंटू 100, तो कितने परसेंट आ जाएगा, 100% आ जाएगा। बी में आप देखोगे तो बी में रिलेटिव ग्रोथ रेट चेंज कितना है, 5 का, ओरिजिनल साइज कितना है, 50 का इंटू 100, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10%। यानी बी का रिलेटिव ग्रोथ रेट 10% है और ए का रिलेटिव ग्रोथ रेट 100% है। तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ए 5 cm², बी का एब्सोल्यूट ग्रोथ, दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बराबर है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट ए का 100% और बी का 10% है, तो डी ऑप्शन। और ये बायोनीट का सीधा सवाल है, बायोनीट में सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, सेम फिगर वहां से लिया गया है। चलिए, कंजेशन ऑफ द लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ, कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम, किसका मेन सिम्टम है ये, कंजेशन ऑफ द लंग। एनसीईआरटी में आपको दिया गया हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का मेन सिम्टम है कंजेशन ऑफ द लंग। द सेल ऑफ द मेमरी ग्लैंड दैट सिक्रेट एंड स्टोर मिल्क आर कॉल्ड, ये फ्राइडे को क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कि मेमरी ग्लैंड की कौन सी सेल है जो मिल्क को सिक्रेट भी करती है और स्टोर भी करती है। तो मेमरी ग्लैंड की सेल को एल्वियोलाई कहते हैं, लंग की सेल को भी एल्वियोलाई कहते हैं और मेमरी ग्लैंड की सेल को भी एल्वियोलाई कहा जाता है। यहाँ पर कॉलम मैच करना, ऑटोपॉलीप्लॉयडी, ऑटोपॉलीप्लॉयडी, ट्राइसोमी तो आप जानते हैं, ट्राइसोमी 2n+1, निलिसोमी भी आप जानते हैं 2n-2 हो जाता है, तो इतने से क्या आंसर हो जाएगा, क्यों को 1 से आपने मैच कराया है, क्यों को 1 से मैच कराया और एस को 4 से, इतने से भी आंसर आपका निकल आएगा, ए आंसर आपका आ गया। अब देखिए पी को 2 से मैच कराइए आप, ऑटोपॉलीप्लॉयडी, इसमें क्या करना है, जैसे होमोजाइगस फॉर्म है और इसको आपको डबल कर देना, ऑटोपॉलीप्लॉयडी हो जाएगा, और अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म है और इसकी डबलिंग आप करते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी आ जाएगा, जिसे कहेंगे एलोपॉलीप्लॉयडी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। अगर ऑटोपॉलीप्लॉयडी और एलोपॉलीप्लॉयडी नहीं भी आप जानते तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और मैच द कॉलम टाइप की यही खासियत होती है बेटा कि इसमें अगर कुछ बातें आपको पता है तब भी आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर। इफ फेनलेज लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। हेनलेज लूप क्या करती है, वाटर के रीअब्सॉर्प्शन में रोल प्ले करती है जिससे यूरिन कंसंट्रेट होती है। अगर हेनलेज लूप नहीं होगी तो यूरिन क्या हो जाएगी, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी। डी ऑप्शन सही होगा। मैच द कॉलम, चलिए ब्रेसिका, ब्रेसिका किससे मैच कराओगे, पूसा सुरनिम, कॉलीफ्लावर, पूसा सुभ्रा, 3 से मैच कराओगे, चिली, पूसा सदाबहार एंड ओकरा, पूसा सवानी। तो ए 4 से मैच कराया आपने, बी को 3 से, सी को आपने मैच कराया 2 से और डी को 1 से। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्पीड बढ़ाइएगा बेटा। एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर द एग्जांपल ऑफ, पहला क्वेश्चन भी आपका यही था। एक्स ओ और एक्स वाई की अगर बात की जाए तो ये दोनों मेल हेट्रोगैमिटी है, ये मेल हेट्रोगैमिटी है, और जेड डब्ल्यू टाइप की जो मैकेनिज्म है वो फीमेल हेट्रोगैमिटी का केस बनता है। मेल हेट्रोगैमिटी मतलब मेल दो तरह के स्पर्म बनाता है, और फीमेल हेट्रोगैमिटी जहां पर फीमेल दो तरह के एग प्रोड्यूस करती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलिए 4 स्टेटमेंट है, इनको कंसीडर करिए।
अच्छा, इसमें ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, चलिए तो देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज बिलोंगिंग टू ए ट्रॉफिक लेवल दैट एक्सप्लॉयट और यूजेज इस कॉमन रिसोर्स बेस इन द सिमिलर फेसेस इज नोन एज ए, है ना, वन। तो अब वन देखिए, वन चारों ऑप्शन में वन को गिल्ड कहा है, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वन तो गिल्ड हो जाएगा। और ये नया टर्म आपके लिए हो सकता है, न्यू टर्म, मेरे लिए भी नया टर्म था, मैंने भी कभी सुना नहीं था, क्योंकि बीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये। अच्छा अब देखिए, अब आगे आप कर लोगे, टू रिड्यूसेस डीकम्पोजिशन एंड कॉजिंग द पाइलिंग अप ऑफ डिटरिटस। टू रिड्यूसेस डीकम्पोजिशन, देखो ऑक्सीजन रिड्यूस करता है, ठीक नहीं, ऑक्सीजन तो बढ़ाएगा। एनरोबिक कंडीशन, एनरोबिक कंडीशन डीकम्पोजिशन को रिड्यूस करता है ना, तो यानी बी ऑप्शन आपका हो सकता है। अब देखो, इन ओसन प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड बाय 3 और 4, तो 3 और 4 क्या हो सकता है, लाइट और नाइट्रोजन हो सकता है ना। और फिर देखो, लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कैल्सियम इज 5, मतलब रॉक हो सकता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 34 का बी ऑप्शन। क्लोन आर, क्लोन क्या होता है, क्लोन आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर फॉर्म, सिमिलर को एलाइक कहा जाता है, लाइक और एलाइक एक ही चीज होती है, ये मत सोचना कि लाइक का मतलब एक जैसे और एलाइक का मतलब अलग अलग तरह के, दोनों का मतलब एक ही होता है, जैसे इन्यूक्लिएट, इन्यूक्लिएट इज इक्वल टू एन्यूक्लिएट, दोनों एक ही चीजें होती हैं। थोड़ी सी अंग्रेजी है जिसमें तुम लोग थोड़ा सा कमजोर हो, तो इसलिए लाइक और एलाइक का मतलब एक जैसा होता, एक समान होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, चलिए, मोर देन परसेंट ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, तो कितने परसेंट, 70% स्पीसीज एनिमल है, वाइल प्लांट इंक्लूडिंग कंप्राइज नो मोर देन 20% ऑफ टोटल, तो प्लांट 22% से ज्यादा नहीं। फिर अमंग एनिमल इंसेक्ट मेकअप मोर देन क्या करोगे यहां पर, इंसेक्ट मेकअप मोर देन 70% एनिमल में, अगर आप देखें तो एनिमल का 70% इंसेक्ट हो जाएगा। आउट ऑफ एवरी 70 एनिमल ऑफ दिस प्लेनेट डी आर इंसेक्ट, तो बेटा 100 में से, ध्यान दो, 100 में एनिमल में से अगर एनिमल 100 है तो इंसेक्ट 70 हो जाएंगे, तो अगर एनिमल 70 है तो 70 का 70% कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, यानी 49 इंसेक्ट हो जाएंगे उस केस में, है ना, तो डी क्या हो जाएगा, 49। अगर यहाँ कहता 100 एनिमल हैं और उसमें इंसेक्ट कितने हैं, तो 70 होंगे, लेकिन 70 एनिमल का, तो 70 का 70% 49 आ जाएगा। द नंबर ऑफ ई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन ऑल द एफ स्पीसीज कंबाइंड, तो फंजाई की स्पीसीज वर्टिब्रेट से ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर क्या करोगे यहाँ पर, करेक्ट आंसर 70, 22, 70, 49, फंजाई और वर्टिब्रेट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पूरी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लिख दिया एनटीए ने। द प्लांट ग्रोविंग इन डार्क सो येलोइंग इन लीव एंड इलोंगेटेड इंटरनोड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बायोनीट, में सवाल भी है और ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार कराया भी है ना, ये है इटियोलेशन, इसे इटियोलेशन कहा जाता है। ऑल द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, सारे स्टेटमेंट सही है एक को छोड़कर। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए बिकॉज कंटेन 5-methyl uracil एंड डीऑक्सीराइबो, सही है, 5-methyl uracil क्या है ये आप बताओ जल्दी से। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव बाई डायरेक्शनल एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, ये भी सही है। टेलर प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बाय वर्किंग ऑन ई कोलाई, नहीं बेटा, इन्होंने विसिया फाबा पे एक्सपेरिमेंट किया था, याद है, विसिया फाबा के ऊपर। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट विद रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल, फंगल सेक्सुअल साइकिल, हाँ दैट इज थाइमिन, 5-methyl uracil को थाइमिन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकिल क्या, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी एंड मियोसिस, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन फ्यूनेरिया मियोसिस अकर, इन फ्यूनेरिया में आपसे पूछा है मियोसिस के बारे में, इन फ्यूनेरिया मियोसिस अकर, इन फ्यूनेरिया में मियोसिस कहाँ पर होती बेटा, तो मियोसिस स्पोर मदर सेल में होती, जिससे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। द वैक्यूल इन द प्लांट सेल कंटेन, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है उसके अंदर वैक्यूलर सैप पाया जाता, अच्छा ये टोनोप्लास्ट मत कर देना, ठीक है, टोनोप्लास्ट तो उसकी कवरिंग को कहते हैं, वैक्यूल के अंदर जो कंटेन होता है, जो उसके अंदर चीजें भरी होती हैं, उसे सेल सैप के नाम से जाना जाता है, या इसे वैक्यूलर सैप भी कहा जाता है, सेल सैप कहते हैं या वैक्यूलर सैप कहते हैं, रस कहा जाता है, और बहुत सारे बच्चों ने सीख कर दिया है,
बेटा वैक्यूल की कवरिंग नहीं पूछा, ध्यान दिया करो। सिंस आईसीएम कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व इन, कल भी आपने किया था, सिंस आईसीएम कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन कहां पर पाई जाएगी? सिंस आईसीएम कंडीशन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, सही आंसर हो जाएगा। मोनोकॉट प्लांट आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, मोनोकॉट में कौन कौन सा कैरेक्टर होगा? स्कुटिलम पाया जाएगा, बिल्कुल अभी आपने पढ़ा है। रेटिकुलेट विनेशन तो डाइकॉट में होगा, फाइब्रस रूट मोनोकॉट में होंगी, ठीक है। और इसके अलावा आइसोबाइलेटरल लीफ भी यहाँ पर पाई जाएंगी। तो तीन फीचर बेटा ऐसे हैं जो मोनोकॉट बिलोंग का कैरेक्टर यहाँ पर हो जाएंगे। ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है एयरबॉर्न डिजीज। निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये सब क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेल ऑफ ड्रेस टिश्यू आर लिविंग सो एंगुलर वॉल थिकनिंग एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो मैंने कल भी बताया था केवल एक ही लिविंग टिश्यू है जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और एंगुलर थिकनिंग भी कहा गया क्वेश्चन में, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कोलेनकाइमा के बारे में बात हो रही है। द डैश इज ए नॉन एडिबल फंगस, नॉन एडिबल फंगस, अगेरिकस मॉरेल बफिल, वैसे बफिल नहीं लिखना चाहिए था, अब तो इसका नाम ट्रिफिल्स हो गया है ना, ये बफिल नाम एनसीईआरटी में अब कहा गया गलत है, लेकिन एनटीए ने देखे अभी पूछा है, तो ये तीनों तो एडिबल, लेकिन टोडस्टूल ये तो पॉइजनस होता है बेटा, है ना, तो ये पॉइजनस है, ये एडिबल नहीं है, ये जहरीला होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन साइकिल, ये थोड़ा सा नया सवाल है बेटा, है ना, तो थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। ओशियनिक वाटर कैन रिटेन अप टू 50 टाइम ऑफ CO2 लेवल इन द एयर, सही है। अब ये कहां से पॉइंट पूछा है पता नहीं। द ओनली मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन इन द बायोस्फीयर इज द लेक, मेजर रिजर्वायर, ठीक है। ओल्केनिक इरप्शन, हॉट स्प्रिंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वेदरिंग एड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, ये भी सही है। द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग फीडबैक सिस्टम, सेल्फ रेगुलेटिंग का है, जो कि गलत है। ह्यूमन के द्वारा साइकिल को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया गया है, तो यहाँ पर बेटा डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट एनटीए के हिसाब से सही है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन एक तो आ सकते हैं एग्जाम में, है ना, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना, लेकिन ये नया सवाल है जो एनटीए ने आपसे पूछा है। विच इज करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच यहाँ पर आपको बताया? क्राई वन ए बी कॉटन बॉलवर्म, नहीं बेटा ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने वाला जीन है ना। क्राई वन ए सी, क्राई वन ए सी कॉटन बॉलवर्म, हाँ ये सही है। क्राई वन ए सी कॉर्न बोरर गलत हो गया, क्राई टू ए बी ये कॉटन बॉलवर्म के लिए होता है, कॉटन बॉलवर्म के लिए। और मैंने आपसे कहा था एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, आप क्राई वन ए बी को ध्यान रखिएगा, क्राई वन ए बी कॉर्न बोरर के लिए, क्राई वन एसी और क्राई टू ए बी कॉटन बॉलबम के लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या अंतर है? ओजेनेसिस बिगिन एट प्यूबर्टी, नहीं बेटा ओजेनेसिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से शुरू हो जाती है। ओजेनेसिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड ओवा, एक ओवम बनता है। द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज अनइक्वल इन ओजेनेसिस एंड इक्वल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ ये सही स्टेटमेंट है, सी जो आपको दिया गया। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्राइबिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, तो इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए से आरएनए मतलब आपको बनाना है ना, डीएनए से आरएनए बनाना है, तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जो बनता है वो आरएनए पॉलीमरेज है, जो बनता है वो पॉलीमरेज, इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज, और जिससे बनता है वो डिपेंडेंट होता है, तो एंजाइम का नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये बेटा ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम है, जो बनता है वो पॉलीमरेज होता है और जिससे बनता है वो डिपेंडेंट होता है, तो डीएनए से आरएनए बना, तो एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। द पैथोजन एपिडर्मोफाइटॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ऑफ, तो एपिडर्मोफाइटॉन फंगस है बेटा, इसका किंगडम क्या है? फंजाई, और इन चारों ऑप्शन में से म्यूकर को देखो, म्यूकर का किंगडम क्या है? फंजाई, और यही आपसे पूछा है कि एपिडर्मोफाइटॉन का किंगडम किसकी तरह है? म्यूकर की तरह हो जाएगा। फ्लावर्स आर ऑलवेज विंड पॉलिनेटेड इन फैमिली, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर किस फैमिली में पाए जाते हैं बेटा? ग्रासेस की अगर बात करें तो ग्रासेस विंड पॉलिनेटेड होते हैं, और ग्रास फैमिली कौन सी? पोएसी, जिससे पहले नाम क्या दिया जाता था, इसका पुराना नाम क्या, कोई बता सकता है जल्दी से कमेंट करके? पोएसी तो नया नाम है, इसे पहले दूसरे नाम से जाना जाता था। एक्सुडेशन एंड गटेशन आर ड्यू टू,
तो एक्सुडेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन गटेशन तो दिया गया। और गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, वो भी पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। हाँ, ग्रेमिनी, पहले इसका नाम ग्रेमिनी हुआ करता था पोएसिका। अप्रोक्सीमेटली ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 20 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो ए मतलब 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पता लगाए जा चुके हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। तो करेक्ट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, एनसीईआरटी का डेटा। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, लगभग हर पेपर में सवाल आ जाता है, वाज गिवन फॉर द ट्रीटिंग। तो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए डिफिशियंसी के लिए दिया गया था। कल क्वेश्चन हमने किया था, इन आईयूसीएन रेड लिस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज इंक्लूड, 784 जातियां जो एक्सटिंक्ट हुई हैं उनमें से 338 वर्टिब्रेट हैं, 359 इनवर्टिब्रेट हैं और 87 प्लांट, यानी सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय डैश इन द ईयर डैश। तो ये तो बहुत आसान लेकिन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, विटेकर 1969, विटेकर ने दिया था फाइव किंगडम सिस्टम 1969 में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, अब देखिए फाइव स्टार और सेवन स्टार मैं कम कर रहा हूं क्योंकि अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नए नहीं मिल रहे हैं आपको, है ना, ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक्सेप्ट, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या ईआर है, गॉल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल है। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका काम नहीं हुआ। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन गॉल्जी बॉडी का काम, एक्सक्रीशन वैक्यूल का काम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन ईआर का काम। तो बाकी सारे काम तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का काम नहीं है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द एम्ब्रियो से व्हिच विल ग्रो फास्टर, बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड है ना, पोलन ट्यूब, न्यूक्लियस, ये तो सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, लेकिन एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तेजी से होता है क्योंकि जो एंडोस्पर्म है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। हाँ, ये नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, इस पर मैं 3 स्टार लगा सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर पढ़िए, आसान ये भी है। आसान सवाल ये भी है, कठिन नहीं है ये। The disease sickle cell anemia is caused by the substitution of 1/2 at the third position of 4-globin chain. तो चलिए, substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta chain, यानी B option आपका correct हो गया। Soybean transport uride, कल भी किया था आपने, from root noodle to various part at fixed nitrogen which, कल option अलग था, आज option अलग है। और आज यहाँ पर मैंने कल बताया भी था कि हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो यहाँ पर पाया था, नहीं, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अब फिर वही क्वेश्चन कल भी किया था, अगर कोडिंग स्ट्रैंड कभी भी दिया जाए और एमआरएनए बनाना हो तो थायमिन को हटा के केवल यूरेसिल लगाना है। थायमिन को हटा के यूरेसिल लगाइए तो आपका सिक्वेंस क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा सबसे पहले। और देखो एक चीज और देखो ना, कि कभी भी आरएनए में थायमिन तो हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब देखो यू ए, ए को चेंज नहीं करना, सी को चेंज नहीं करना है, जी को चेंज नहीं करना है, टी जहां पे उसको उठा के यू कर दो, फिर ए और जी, है ना, ये देखो। लेकिन ऑप्शन यहां पर जो डी वाला वो भी सेम सिक्वेंस है यहां पर, है ना, सेम सिक्वेंस दोनों जगह, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नहीं आंसर है बेटा, बी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अब एम आर एन ए हमेशा 5 से 3 में लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन तो 3 से 5 में लिखा हुआ है जो कि गलत है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हाल चाल है बच्चों, खूब बी की हो ना तुम लोग, नालायक हो, मैं समझा रहा था इसमें, तुम लोग बी आंसर कर दिए, डी आंसर करेक्ट होगा, नालायक। और लाइक तो किया नहीं तुम लोगों ने, इसीलिए गलतियां हो भी रही तुम लोगों से, तो जल्दी से लाइक करो सेशन को जल्दी से, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, 500 लोगों कम से कम 500 लाइक तो होने चाहिए ना, कायदे से अगर बात की जाए। खूब तुम लोग कॉपी करते हो। चलो साइनोबैक्टीरिया करें करेक्टली मैच कौन, ए विद 2, तो चलो साइनोबैक्टीरिया को 2 से करें मैच कराओ। साइनोबैक्टीरिया तो बेटा बायो फर्टिलाइजर, इसका मतलब ये गलत हो गया। बी विथ 3, माइकोराइजा को 3 से करें मैच कराओ, माइकोराइजा भी बायो फर्टिलाइजर, यानी ये भी गलत है। सी विद 1,
बैसिलस थुरिंजेंसिस को वन बायोपेस्टिसाइड, हाँ ये सही है, और क्लोरेला को करें चार से बायो फर्टिलाइजर, नहीं क्लोरेला सिंगल सेल प्रोटीन है, यानी डी ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट है, केवल सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस स्टॉल ऑफ स्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस स्टॉल प्लांट, दो हेट्रोजाइगस स्टॉल प्लांट का अगर क्रॉस करो, एक हेट्रोजाइगस स्टॉल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अगर इन दोनों का क्रॉस करोगे तो करें कि कितने होमोजाइगस स्टॉल बनेंगे। अच्छा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दो तरह के गैमेट यहाँ बनाओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो तरह के गैमेट इसके बना लो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर पनेट स्क्वायर बना लो यहाँ पर, इसको इससे क्रॉस कराओ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो क्या कहा है कि होमोजाइगस स्टॉल कितने बनेंगे, तो ये होमोजाइगस स्टॉल बना, होमोजाइगस स्टॉल बनेंगे 25%, 25% होमोजाइगस स्टॉल का फॉर्मेशन हुआ, ये 50% ये वाले कौन से हुए, हेट्रोजाइगस स्टॉल हुए और ये होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया। तुम लोग कैसे आंसर कर रहे हो बेटा, 25% आएगा, तुम लोग क्यों आंसर कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। और अगर एनटीए की बात मैं आपको बताऊं तो एनटीए ने सी ऑप्शन दिया इसका आंसर, वो 75% कह रहा है, तो 75% बेटा टॉल है, होमोजाइगस टॉल नहीं 75%, करेक्ट आंसर यहाँ पर 25% होगा, यानी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये एनटीए के को आप रिपोर्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, एनटीए की रिपोर्ट थाने में जाके नहीं लिखानी है, एनटीए में हर क्वेश्चन पे एक आई बटन दिया हुआ है, उस आई बटन पे क्लिक करके आप उनको बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये नहीं थाने पहुंच गया कि हमारे सर ने कहा था रिपोर्ट करनी है इस क्वेश्चन की, है ना, तो थोड़ा समझा करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। द रेट ऑफ कन्वर्जन, कल भी क्वेश्चन हमने किया था, ऑफ लाइट एनर्जी, और रिकॉर्डिंग भी तुम लोग कर ली कि देखो सर आप ही ने तो कहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी दैट इज जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऐसा पता चल जाता होगा ना, इज ए पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग एंड कॉजेज द डिजीज, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और ये कॉज करता अमीबिक डिसेंट्री, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो कि क्या पूछेगा वो, देखो एक दो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं केवल पूरे 90 क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजेनेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्किबैक्टीरिया, सही है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये भी सही है, दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, नहीं वो तो थर्मोइजोफाइल होता, दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट को जानते क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके आधार पे दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके आधार पे दिया था, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस किसके आधार पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया था। ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैचेस, चलो देखो जरा क्या कह रहा है, फॉलोइंग मैचेस के बारे में आपसे पूछा है, तो चलिए मैच देखते हैं। धतूरा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, धतूरा एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हाँ ठीक, धतूरा मस्टर्ड चिली, कैना जाइगोमॉर्फिक, कैना तो एसिमेट्रिक होता है, गुलमोहर जाइगोमॉर्फिक, हाँ ये भी सही, कैसिया कैसे और गुलमोहर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, पीबिन कैसिया गुलमोहर, चार एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए, कि करेक्ट क्या है, करेक्ट है 1 और 3, करेक्ट है 1 और 3, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिया गया था बेटा, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय, एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है, एपिकल डोमिनेंस को कल आपने कहा था ओवरकम कौन करता, साइटोकाइनिन ओवरकम करता है, लेकिन कॉज कौन करता, ऑक्सिन कॉज करता है बेटा, ऑक्सिन कॉज करता और साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मैं कोई अगर टिक करता हूँ साइटोकाइन, मैंने टिक किया, तुम लोगों ने बी आंसर कर दिया, इतने नालायक हो तुम लोग कि एपिकल डोमिनेंस कॉज्ड बाय एंड ओवरकम बाय नहीं समझ पा रहे हो, मार खाने का काम कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर, पीसीआर में करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, डिनेचुरेशन होता पहला, दूसरा एनिलिंग होता, तीसरा एक्सटेंशन होता, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज कंपोजिशन इन टोटल सेलुलर मास, विच ऑफ दीज ऑर्डर इज करेक्ट, तो सबसे कम कौन होता, आयन होता है, देन लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
कोड मैंने बताया था, दैट इज पेंसिल, और पेंसिल कोड मैंने कहा था प्रोटीन सबसे ज्यादा, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, और ये मैक्रोमोलिक्यूल आपको याद हो गए। अब इसके बाद आयन आ जाएगा, तो आयन 1% होता है, लिपिड 2% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, प्रोटीन 10 से 15% होता है, न्यूक्लिक एसिड आप बता दो, चार मैंने बता दिए, एक आप बता दो कि न्यूक्लिक एसिड कितने परसेंट होता है। ऑन्टोजिनी रिकैपिटुलेट फाइलोजिनी इज रिलेटेड स्टेटमेंट रिलेटेड टू, ये किसने कहा था ये भी मुझे जल्दी से आप बताओगे, ऑन्टोजिनी रिपीट फाइलोजिनी, और ये रिलेटेड किससे है, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, हाँ 5 से 7%, 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑन्टोजिनी रिपीट फाइलोजिनी किसने कहा था, पूछा तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर इनकरेक्ट, ड्यूरिंग सोलोविंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग, सही है, ठीक है। द ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, नहीं बेटा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, बिल्कुल अर्नेस्ट हेकल ने दिया था ये, द ट्रेकिया, अरे ये नहीं फिफ्थ वर्टिब्रा नहीं, अर्नेस्ट हेकल ने ऑन्टोजिनी रिपीट फाइलोजिनी दिया, इसको ना लिख लेना कहीं पर। द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग मेड ऑफ हेलन कार्टिलेज, ये भी सही है। द रेस्पिरेटरी पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल ह्यूमिडिफायर एंड ऑल्सो ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, गलत है क्योंकि रेस्पिरेटरी नहीं कंडक्टिंग पार्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो 2 और 4 इनकरेक्ट हो जाएंगे, 2 और 4 इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी बी आंसर सही होगा। ए कौन कर रहा है, नालायक, बी आंसर सही होगा, ए आंसर कौन कर रहा है, गलत। देयर इज ए वाल्व प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, तो इसोफेगस और स्टमक, इसोफेगस और स्टमक के बीच में गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वाल्व नहीं होता है, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, इलियम और सीकम के बीच में इलियोसेकल वाल्व पाई जाती है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 75 में। चलो तीन कॉलम आपको दिए गए हैं, कॉलम 1, 2, 3, चलो टॉल एंड सिलेंडर सेल, टॉल एंड सिलेंडर सेल, कॉलमनर एपिथीलियम, कॉलमनर एपिथीलियम एंड लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, तो A2M, देखते हैं जरा, A2M, दो ऑप्शन तो खत्म हो गए हैं ना, ऐसे करते हैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को। अब फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज, ये क्या है, स्क्वैमस, इसको स्क्वैमस से मैच करा दो, फिर स्क्वैमस कहां पर है, ब्लड वेसल, तो B3N, अब B3N में चले जाओ, B3N दोनों ऑप्शन में दिया गया, तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिलियन फ्री सरफेस, तो इसका मतलब सिलिएटेड है ना, सिलिया और सिलिएटेड ब्रोंकियल फेलोपियन ट्यूब, तो C4K, अब जाओ C4K, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्लियर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। Which of the following antibody present in colostrum and provide passivity to the infant? Colostrum में खूब पूछा जाता है, important question है, देखिए important question का number अब कम होता जा रहा है, अब 4-6 सवाल आपको केवल ऐसे मिल रहे हैं जो important हैं या आपको नहीं पता, IgA पाया जाता है colostrum में, ठीक है। Consider the following statement, temperature is the most ecologically relevant environmental factor, बिल्कुल सीधी line NCERT की है, temperature increases progressively from the जर्मनी लिख गया, progressively from equator toward pole, equator से pole पे जाने पे temperature बढ़ेगा नहीं घटेगा। Diversity is not an important characteristic of living, living का character है बेटा diversity, हम सब एक दूसरे से अलग, यही तो diversity है। Mango tree do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany, ये सही है, तो नहीं नहीं डाइवर्सिटी इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग, तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ना, तो गलत हो गया ना, तो अब वो स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है, ए और डी करेक्ट ऑप्शन है, ए और डी यानी डी आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एनिमल ईच आर करेक्टली मैच विद देयर कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर, चलो देखो, सेंटीपीड, प्रॉन, सी अर्चिन, तो सेंटीपीड और प्रॉन तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर, लेकिन सी अर्चिन इकाइनो का मेंबर, और इस इकाइनो में तो जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते, तो ये गलत हो गया। एनिमल स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा, वेंट्रल सॉलिड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सही, बी ऑप्शन सही, बाकी आप खुद चेक करना। द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू इज, लिविंग टिश्यू में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिखाया गया बेटा, इसको पहचानिए, एनसीआरटी का डायग्राम है ये, NCRT कोई पहचान पा रहा है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल है ना, ये कोलेस्ट्रॉल का फिगर आपको दिखाया गया है,
और कोलेस्ट्रॉल में कोई बता सकता कितनी कार्बन होती है? और कोलेस्ट्रॉल किसका एग्जाम्पल? लिपिड। कोलेस्ट्रॉल में कार्बन का नंबर कोई बताएगा? द मस्कुलरिस, द मस्कुलर, नहीं, मस्कुलरिस एक साथ है बेटा, अलग अलग हो गया। मस्कुलरिस लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज, मस्कुलरिस लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर पाई जाती बेटा, है ना? तो करेक्ट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। हाँ, 27 कार्बन होती बेटा, 27 कार्बन कोलेस्ट्रॉल में पाई जाती है। फटीक इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, फटीक में क्या होता है? रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल, एक्सेसिव वर्कलोड ऑन मसल, एनरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट आपसे पूछा, चलिए पढ़ते हैं जरा। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप ऑन द सब्सिट्यूएंट ऑफ सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। सही है, बिल्कुल सही। प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन एंड प्ले नॉन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये भी सही। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ एस्पर, ये भी सही है। स्टार्च फॉर्म हेलिकल प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन, कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बताओ जल्दी से। ये प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसका मतलब डी चौथा गलत है। 1, 2, 3 सही, यानी करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन कॉर्निया, ह्यूमन कॉर्निया का करेक्टरिस्टिक फीचर आपसे पूछा गया, और ये भी मैंने कई बार कराया है कि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई कॉर्निया में नहीं होती और इसीलिए इसका ट्रांसप्लांटेशन आसान होता है। ग्रीन मफलर इज स्पेसिफिक फॉर, मैंने क्वेश्चन कराया है और बायोनेट में दिया भी गया, ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? ग्रीन मफलर नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए, नहीं, साउंड इंसुलेशन के लिए यूज किया था, इसीलिए रोड के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं ताकि जो नॉइस पोल्यूशन है उसे कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चों वाला सवाल हो गया, लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन। तो लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन, ETS कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन, नहीं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नहीं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मैंने बी गलती से टिक कर दिया तो सबने बी लिख दिया तुरंत, इतने नालायक हो तुम लोग, या अपने मन से कुछ नहीं करना है। डिजीज कॉज्ड बाय अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, यानी अंडर सिक्रीशन मतलब हाइपो सिक्रीशन, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हाइपो सिक्रीशन से कौन सी डिजीज होती है? एडिसन डिजीज, और ये पहली एंडोक्राइन डिजीज था जिसका पता थॉमस एडिसन ने लगाया था। Which of the following hormone has no control over gluconeogenesis? Gluconeogenesis पर किसका control नहीं है? Gluconeogenesis में क्या होता है? Non-carbohydrate से glucose का formation होता है। Non-carbohydrate से glucose का बनना gluconeogenesis कहलाता है, जिसे insulin, glucagon, corticosteroid control करता है। Vasopressin का इसमें कोई भी role नहीं होता, ये तो water के absorption में role play करता है। एबॉर्शन आर मच रिस्कियर, एबॉर्शन ज्यादा रिस्कियर कब होते हैं? एट सेकेंड ट्राइमेस्टर, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। एंड लास्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में इनको आपको अरेंज करना है। इनवर्टिब्रेट फॉर्म्ड एंड एक्टिव, इनवर्टिब्रेट 500 माया, ठीक है। फर्स्ट सेलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 मिलियन ईयर एगो। एग्जिस्टेंस ऑफ सीवीड एंड फ्यू प्लांट, सीवीड का एग्जिस्टेंस 350 है ना शायद, सीवीड का एग्जिस्टेंस 350 माया है। एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ बेटा, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। फिर बी के बाद 500 आ जाएगा इनवर्टिब्रेट, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा बी के बाद, इसके बाद सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। अब अर्थ पर पहले कौन है, रेप्टाइल है या मैमल है? पहले रेप्टाइल है, यानी डी ऑप्शन पहले हो जाएगा, और फिर लास्ट में मैमल, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर,
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा कोई बच्चा पूछ रहा है कि 87 में बी क्यों नहीं होगा। अच्छा 87 में क्या था क्वेश्चन बेटा? क्रेटिनिज्म एड्रिनल कॉर्टेक्स के हाइपोसिक्रीशन से थोड़ी होता है, वो तो थायराइड ग्लैंड के हाइपोसिक्रीशन से होता है। ठीक है, तो ये था एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 92। एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 92 कितना टाइम लगा जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। आज हमें टाइम लगा है, हमने शुरुआत आज की थी 7:47 से। ठीक है, 7:47 पे हमने शुरू किया था, 8:34 पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हमें कितना टाइम लगा? करीब करीब हमें 47 मिनट का टाइम लगा, 47। और बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हुआ है ना, वरना 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता। तो थैंक यू सो मच आप सबको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और आज काफी बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेंटेन रहेंगे और दूसरे सेशन पे जल्दी से आइए। जो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका सेशन बना हुआ, लिंक अभी मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, तो जल्दी से वहां पहुंचे और यहाँ पर लाइक जरूर करिएगा इस सेशन को, और दूसरा सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके बच्चों, तो मिलते हैं 5 मिनट में, जस्ट 5 मिनट में हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय बाय।